हाँ जी, तो अगर आप लोग डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो में हम लोग उसकी हॉस्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आपको हॉस्टल अलॉट होती है, क्या उसकी प्रोसीजर है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या फी स्ट्रक्चर है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो आपको हॉस्टल मिलेगी, आप वो हॉस्टल एडमिशन फॉर्म निकलेगी कॉलेज के द्वारा, उसमें आपको फिलअप करना होगा, देन आप लोग की हॉस्टल में एडमिशन होती है। तो फॉर्म फिलअप करके ही आपको हॉस्टल मिलेगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि वो अलॉटमेंट कैसे होती है, तो जो आपकी हॉस्टल एडमिशन कमेटी है बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की, वो हॉस्टल अलॉट करती है। तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया उसमें जो भी सेलेक्ट होते हैं, उन सब की इंटरव्यू होती है, देन उन लोगों की एडमिशन होती है हॉस्टल में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जो भी स्टूडेंट आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हैं उन सबको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, एंड जो भी एनसीआर दिल्ली से बिलोंग करते हैं उन्हें सेकेंड प्रायोरिटी मिलती है। लाइक अगर एग्जांपल से समझे, अगर आप लोग कोई अदर स्टेट हो लाइक बिहार, यूपी और एनी अदर स्टेट एक्सेप्ट दिल्ली, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद जो स्टूडेंट होंगे उसे सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी जो दिल्ली से होंगे एंड 40 किलोमीटर मोर देन उनकी हाउस होगी अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। तो ऐसे करके इनकी हॉस्टल अलॉटमेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनकी फी स्ट्रक्चर की, कितनी इनकी फी स्ट्रक्चर है, तो 24,500 इनकी वन ईयर की फीस है हॉस्टल की, एंड इसमें आपको मेस वगैरह भी मिल जाती है। एंड आप लोगों को पता है इसमें कुछ सिक्योरिटी चार्ज वगैरह भी लगती है जो वन टाइम ही सिर्फ लगती है, तो वो सब आपको देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि मेस की, तो इनकी मेस भी आपको मिल जाती है, एंड मेस की फीस की बात करें तो 16,500 मेस की फीस है पर सेमेस्टर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसमें कितने हॉस्टल अवेलेबल हैं, तो इसमें जस्ट एक ही हॉस्टल अवेलेबल है, एंड बात करें तो वो सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है। तो बॉयज़ के लिए इसमें हॉस्टल नहीं अवेलेबल है, बट जो बॉयज़ हैं वो सब पीजी वगैरह लेके रहते हैं, जितने भी आपको यूनिवर्सिटी जो भी आपको कैंपस अलॉट करते हैं लाइक कश्मीरी कैंपस या फिर करमपुरा कैंपस, तो उसके आसपास आपको पीजी मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ रहते हैं, तो पीजी या फिर आप लोग अपने दोस्त के साथ फ्लैट वगैरह में भी रह सकते हो। तो ये थी पूरी डिटेल डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो।